नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। हम इस 72 आवर्स में देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका एक्शन क्या रह सकता है, यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, बाद में देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। बहुत ज्यादा एक्टिव राशि है मेष राशि, कोई भी काम करने में सबसे पहले सबसे आगे एक्शन लेने वाले। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं मेष राशि। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ के कार्ड। ये बंदा या बंदी पहले इस रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता समझ रहा था, उनको लग रहा था कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को एक अलग तरीके से देख रहा था, शादी स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ें ये रिश्ते में देख रहा था। लेकिन अचानक से उनमें क्या हो जाएगा पता नहीं, 72 घंटे में उनको क्या पता चल जाएगा या फिर उनकी जो खुद की जो एनर्जी है वो स्वेप कर सकते हैं, मूड स्विंग कर सकते हैं, तो ये अचानक अपने आप में चले आएंगे। उनको लगेगा नहीं मुझे इतना नहीं सोचना है, मैं क्यों सोचूं इतना, मुझे अकेला क्यों सोचना है, मैं क्या कुछ कम हूँ, मेरे पास क्या कुछ कम है, मुझे इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ मेरे पोस्ट पर हूँ, मुझे मेरा पोजीशन अच्छा है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी पानी है, स्टेबिलिटी मेरे पास है, तो मैं इतनी बेकार की चीज़ों में क्यों पढ़ूँ, मेरे लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए ये ख़त्म है। अभी इस थॉट को मुझे छोड़ देना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, मुझे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, मुझे लगता है कोई लिब्रा हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज आप हो, कोई एरीज भी हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, वैसे कैप्रिकॉन हो सकता है, किसी भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे एरीज आपकी करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है इन 72 घंटे में। ये सोचते सोचते उल्टा सोचने लग जाएंगे आपकी पर्सन, ये आप भी हो सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स रोना धोना, टेन ऑफ सोर्ड्स परेशान रहना, आप तो बहुत ज्यादा परेशान रहोगे इन 72 घंटे में एरीज, इन 72 घंटे में आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। टेन ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड आए हैं, हो सकता है आपके सर पे बहुत सारा बर्डन है, बोझ है, आप इस बोझ को कम करने के बारे में सोचोगे, बर्डन को कम करने के बारे में सोचोगे, आपको लगेगा सारा बर्डन आप ही उठाते जा रहे हो, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इन दिनों, आपको लगेगा आपके साथ कोई छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ कह रहा है आपको, आपसे बातें छुपा रहा है, आप परेशान हो जाओगे, किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी आप परेशान हो सकते हो, आपका रात का नींद खराब हो सकता है, आप रात को सो नहीं पाओगे, पूरे दिन आप अपने काम से बिजी रहोगे लेकिन रात आते आते आप में और भी थकान आ जाएगा, और भी परेशानी आ जाएगी, आप अपना नींद को खराब करोगे, रोगे, परेशान होगे, लेकिन यूनिवर्स
कभी भी नहीं चाहता है उनके बंदे कभी रोए परेशान हुए, लेकिन इन 72 घंटे में आपकी एनर्जी इस तरह की रहेगी। आपने ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ले लिया होगा, आपने सोचा होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, ये सोच के आपने जितना बर्डन ले सकते उससे ज़्यादा आपने ले लिया और इसी के चलते आप परेशान हो जाओगे। या फिर रिश्ते में आपको परेशानी मिल रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है, क्योंकि सारे कारण सारे बोझ आपके सर पे हैं। रिश्ते की बोझ, काम की जिम्मेदारी, बिजनेस करते हो तो उसकी, परिवार की, ये सारी चीज़ों से आप परेशान रहोगे इन 72 घंटे में। किसका एनर्जी है पता नहीं, आप भी परेशान आपके बंदे भी परेशान, लेकिन फिर भी ये अपने बारे में सोचेगा और आपको तो वक्त भी ना मिलेगा कि अपने बारे में सोचो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। सेवन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे भाई। अगर मैं कहूं एक्शन लेगा, ये नहीं लेगा। देखो टेन ऑफ सोर्स के कार्ड, एट ऑफ कॉइन्स के कार्ड, सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड, कोई जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस हो सकता है। ये बंदा या बंदी दुखी परेशान तो रहेगा ही, ये किसी सीक्रेट को रिवील करने में बिजी रहेगा बंदा। आपके तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा, हालांकि ये लव रीडिंग है, लेकिन यहाँ लव के कोई लव भी नहीं है, एल भी नहीं है, कुछ नहीं है। बंदा एक अलग ही दुनिया में है, अलग ही तरीके की सोच है इनकी। ये पहले इस रिश्ते को स्टेबल मानता था, लेकिन अचानक 72 घंटे में उनको लगेगा किसकी एनर्जी है भाई, माफ़ करना, क्योंकि इसमें कोई लव नहीं है, कोई इमोशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये बंदा या बंदी जो भी है, इनको सीक्रेट रिवील करने में मज़ा आएगा, ये किसी छुपे हुए राज को निकल के बाहर लाएगा। ये मेहनत में खुद को इन्वॉल्व कर देगा, इनको लगेगा कि अगर इनको कुछ मिलना है तो मेहनत से मिलना है, चाहे रिश्ता हो, पैसा हो, कुछ भी। और ये खुद बहुत ज़्यादा पेन में रहेगा, पता नहीं, जैसे मृत्यु जैसी पेन उनको लगेगा कि इनका किसी इमोशन का डेथ हो गया, या फिर किसी रिश्ते में इनको परेशानी मिली, या फिर इनका कोई ऑपरेशन भी हो सकता है मेजर, जिससे इनको तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा। इन 72 घंटे में ये बंदा पूरी तरीके से कोशिश तो करेगा चीज़ों को सही करना, मतलब अपनी लाइफ में किसी बात, छुपी हुई बातों को रिवील करना या फिर छुपाने की कोशिश करना, क्योंकि आपके तरफ से आया है द मून का कार्ड, जैसे कोई झूठ कह रहा है आपसे, कुछ छुपा रहा है, तो ये बंदा छुपाने की कोशिश भी कर सकता है। मेहनत करेगा रिश्ते के लिए, खुद के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इतना कुछ करने के बाद भी ये बंदा पूरी तरह से खुद को निराश पाएगा, दुखी पाएगा। एक्शन लेने की तो छोड़ो, इनकी तरफ से प्यार के लिए कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं झूठ बोल पाती तो बोल देती कि ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, आप लोग वो पूछ के देखना, कोई इनका कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकता है इन 72 घंटे में। सावधान रहे, जो भी सुन रहे हैं रीडिंग, आपके पर्सन को अलर्ट करें कि सावधानी से चले। तो ये कुछ प्यार के मामले में कोई एक्शन तो नहीं ले रहा है, खुद अपने परेशानी से जूझेगा बंदा, और आप खुद भी एरीज। कम से कम इस 72 घंटे में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि आप के लिए यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स ही आपसे यही कहना चाहते हैं, देखो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप पहले नहीं बोल पाते थे, अभी बोलना पड़ेगा।
अगर आप लोग प्यार करते हो, रिश्ते में प्यार है, तो रिश्ते को दोस्ती से शुरू करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करना, ये अपने धुन में रहे, दुख में रहे, आप अपने दुख में रहो और रिश्ते को भी पाना चाहो, ऐसे तो नहीं होता है। आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से ही आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, चाहे रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी। आप लोग जो बंदे ये और मेष राशि वाले बहुत मेहनती बंदे होते हैं, ये मेहनत करके सब कुछ करना चाहते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि जो भी मिलना है मेहनत से मिलना है। तो देखो कार्ड भी वही आया है, पैसे, स्टेबिलिटी, रिश्ता, जो कुछ भी आपको पाना है इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और इन 72 घंटे में अगर आप चाहते हो एक दूसरे के बारे में सोचना, रिश्ते में आना, बातें करना, तो आपको अपनी दोस्ती का जो फॉर्म है उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्ती से रिश्ते में आगे आना पड़ेगा। ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाओगे, ज़्यादा मैच्योर बनने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों की इमोशन जो है वो हर्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा बर्डन लेके घूम रहे हो। तो रिश्ते में आना है तो दोनों को ही मेहनत करना पड़ेगा, रिश्ते के लिए भी और अपने लिए भी। और अगर खुश रहना है तो दोस्ती करनी पड़ेगी, खुद की खुशी खुद को ढूंढनी पड़ेगी, तभी आपको खुशी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।